नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों मैं हूं कुंजेश कौशल, और दोस्तों आज का जो आप पीछे देख रहे हो, जो जैसे जो ये प्रिपरेशन चल रहा है वो आखिर क्यों है, ये सारा कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये है स्काई राइडर का मेन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट जो कि ये मेन है। तो दोस्तों आज हमारे पास आने वाले हैं हमारे गेस्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो भी गेस्ट आएंगे सबको आप देख लेंगे, और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि उनके लिए क्या तैयारियां किया गया है, कैसे कैसे लोग अपने काम में लगे हुए हैं, और किस तरह से सारा जो ई व्हीकल्स है उसे किस तरह से एक अच्छे लाइन में रखा गया है, अच्छे से रखा गया है। और तो बारी बारी देखते हैं आज का ये जो भी मतलब हमारे जितने भी गेस्ट आएंगे उन सबसे मिलेंगे ही, साथ में अभी जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो भी काम हुआ उसे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये फ्रंट एरिया में जो भी गाड़ी लगा हुआ है एकदम लाइन से लगा हुआ सारा गाड़ी आप देख सकते हो। इस तरफ लोडर है, लोडर के साथ गार्बेज वैन है, और इस तरफ आप देख सकते हो पैसेंजर गाड़ी है। जो भी है ये सारा पैसेंजर गाड़ी जो कि अलग अलग कलर में आप देख सकते हो, ग्रीन है तो ब्लू है तो वाइट है इस तरह से, और बैलून के साथ बहुत ही खूबसूरत ढंग से जो फ्रंट एरिया है इसे सजाया गया है। और अब मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि अंदर में क्या क्या आज का तैयारी जो है, मतलब जो गेस्ट आएंगे हमारे उनके लिए अंदर में आज क्या क्या किया गया है, तो वो सारा कुछ अब देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि प्रोडक्शन यूनिट के अंदर क्या माहौल है। तो आप देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो बड़ा सा डिस्प्ले लगा है जिसमें सारा काम चल रहा है, उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरह से हमारे जो इंजीनियर लोग हैं वो काम कर रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे यूनिट के अंदर जो हमारे इंजीनियर लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो गोल्फ कार्ट में काम हो रहा है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं इसमें? सीट लगा रहे हैं। अच्छा, सीट, इसका जो सीट का काम है वो चल रहा है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे गोल्फ कार्ट में जो हमारे दूसरे इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो हमारे भाई हैं उनसे देखते हैं वो क्या काम कर रहे हैं। तो अभी आप क्या काम कर रहे हैं? वायरिंग का काम हो रहा है। ये जो मीटर है ये एलईडी है ना जिसका आप वायरिंग का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गोल्फ कार्ट है इसमें जो एलईडी सिस्टम होता है उसका वायरिंग का काम हो रहा है। और आप देख सकते हो कि इधर ये एक अब दूसरा लाइन है जिसमें एक अलग से काम हो रहा है, जहाँ पे ये अभी बेस लेवल पे काम चल रहा है, यानी कि अभी इसे बेसिक रूप से ही बनाया जा रहा है, यानी इसका फ्रेमिंग किया जा रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो तो मेन सप्लाई का काम हो रहा है वो आप देख सकते हो। तो ड्राइवर के लिए जो मेन फीचर्स होता है उसमें काम किया जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? हम गाड़ी का बटरफ्लाई लगा रहे हैं। तो ये जो गाड़ी में बटरफ्लाई होता है यानी कि आगे से जो कवर होता है वो लगाया जा रहा है। और अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक लोडर है जो कि लाल कलर यानी रेड कलर का जो लोडर है ये, इसमें बहुत सारा काम होना बाकी और हो रहा है, ये मतलब लास्ट स्टेज पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे इंजीनियर है वो काम में लगे हुए हैं। तो अभी जो आप ये काम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं इसमें? सीरीज बैटरी सीरीज हो रहा है, यानी कि वायरिंग का सप्लाई, करंट सप्लाई, बैटरी का करंट सप्लाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी का जो करंट सप्लाई होता है वो पूरे इंजन में होता है, वो काम चल रहा है। और सेफ्टी का सारा कुछ है आपके पास? सेफ्टी का सारा कुछ है आपके पास? सेफ्टी, हाँ, सेफ्टी के लिए जैसे चश्मा लगाया, चश्मा, जूता, ग्लव, सब कुछ है आपके पास? सबके पास। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ये सारा सेफ्टी के साथ हो रहा है। और अब हम लोग चलेंगे दूसरे लाइन में चलेंगे जहाँ पे और भी अलग अलग चीज़ के लिए काम हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैसेंजर ई रिक्शा है जिसमें काम चल रहा है। तो आप देख सकते हो ये भी लास्ट स्टेज में है। तो यहाँ पे जो काम चल रहा है वो थोड़ा अलग ढंग का काम है। यहाँ आप देख सकते हो इसमें बैटरी का जो सप्लाई अभी बाकी है, तो अभी शायद से वही हो रहा है। चलो हम पूछते हैं इनसे, ये जो अभी आप काम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है? वायरिंग का फाइनल काम बाकी है, वो बैटरी कनेक्शन होगा। अच्छा अच्छा, यानी बैटरी का जो फाइनल कनेक्शन होता है वो हो रहा है जो चार्जिंग के लिए होता है। वो जो चार्जिंग के लिए होता है जो ई रिक्शा में बहुत ही मेन पार्ट होता है वो काम चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये तो स्पीकर है ना, ये इसके अंदर ही लगेगा, इसके अंदर ही लगेगा। इस तो ये ऑडियो कंट्रोल का भी काम हो रहा है जो इसके अंदर में ही लगेगा। तो ये था, ये फर्स्ट है जो पैसेंजर है, मतलब तीसरे लाइन का ये फर्स्ट गाड़ी। अब हम लोग देखेंगे एक और गाड़ी यहाँ पे जो ई रिक्शा है वो रेडी हो रहा है, जिसमें बहुत ही मतलब बड़े से मशीन के साथ काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी लगभग इसका जो अभी मेन फ्रेम रेडी किया जा रहा है। तो चलो हम पूछते हैं इनसे कि ये क्या कर रहे हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर? उसका फ्रेम फिटिंग कर रहे हैं।
तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो फ्रेम होता है वो फिटिंग कर रहे हैं, तो फ्रेम फिटिंग के लिए मतलब ये इसके बाद अभी और भी इसमें कुछ फिटिंग होना है ये या कंप्लीट है ये? वो फिटिंग करने के बाद कंप्लीट होगा, उसके बाद पीछे वाला बैटरी का काम होगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से जो हमारे सारे इंजीनियर हैं वो लोग लगे हुए हैं, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं और बारी बारी से लगे हुए हैं, देख सकते हो आप। और यहाँ पे भी ये काम चल रहा है, तो हम पूछते हैं इनसे कि ये क्या कर रहे हैं। तो आप जो ये काम कर रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं, इसमें क्या काम कर रहे हैं आप? अभी हम मीटर और हेडलाइट लगा रहे हैं। अच्छा, जो हेडलाइट का काम है वो लग रहा है, यानी फ्रेम में जो हेडलाइट का जगह होता है वो यहाँ पे हेडलाइट लग रहा है, और साथ ही में आप देख सकते हो मीटर भी लग रहा है जो इनके हाथ में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मीटर है, जो मीटर और हेडलाइट का काम दोनों एक साथ ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो यूनिट में जो भी तैयारी चल रहा है, जो हमारे गेस्ट लोग आ रहे हैं, और जैसे हमारे डेली लाइफ में जो जो काम होता है वो काम को मैं दिखाया, और कैसे काम होता है, कैसे लाइन बाई लाइन काम होता है, कैसे सब लोग अपने काम में बिजी है और सब लोग अपने काम को सेफ्टी ढंग से कर रहे हैं, मतलब सेफ्टी का जो भी सामान है उसे यूज करके कर रहे हैं और बहुत ही सावधानी से सारा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी पाउडर पुटिंग यूनिट में, यहाँ पे पाउडर पुटिंग का काम होता है। और दोस्तों ये पाउडर पुटिंग क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। दोस्तों क्या होता है कि कोस्टल एरिया में जो होता है यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, यहाँ पे जो नॉर्मल स्प्रे पेंट जो होता है वो टिकता नहीं ज़्यादा दिन, तो इसीलिए नॉर्मल पेंट से थोड़ा ये बहुत अलग होता है पाउडर पुटिंग। तो ये जो पाउडर पुटिंग है वो इंडिया में जो भी कोस्टल एरिया है उधर ये बहुत लंबे समय तक टिकेगा और लंबे समय तक चलेगा। अगर जो पेंट कोस्टल एरिया में लंबे समय तक चल रहा है वो नॉर्मल एरिया में और भी डबल समय यानी सालों साल चलेगा। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि पाउडर पुटिंग में कैसे कैसे काम होता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे जो लोग भी काम कर रहे हैं उनसे कुछ बात करते हैं और क्या क्या एरिया है यहाँ पे वो सारा कवर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काम रसिंग का काम हो रहा है, तो हम लोग अभी बात करेंगे यहाँ पे जो काम चल रहा है उनके बारे में। तो भैया ये पाउडर पुटिंग का जो काम है वो कैसे कैसे होता है और कहाँ पे क्या होता है आप बताएंगे? पहले हम मटेरियल यहाँ पर लाते हैं, उसको रब करते हैं, पेपर में रब करते हैं, उसके बाद डीजल लगाते हैं उसके ऊपर, उसके बाद वहाँ पर वो मशीन के अंदर डालते हैं और पाउडर निकल के उसके ऊपर डालते हैं पाउडर, उसके बाद यहाँ पर लटकाते हैं उस मटेरियल का, यहाँ पर लटकाते हैं, उसके बाद हम भट्टी में डालते हैं। और ये बॉयलर है, उसके बाद वो हीट होके इस तरह निकलते हैं इस। अच्छा, यानी बॉयलर में लास्ट जाने के बाद आप देख सकते हो कि ये ऐसा होता है, यहाँ पे कोई भी पेंट जो होता है स्प्रे पेंट ये काम नहीं होता। तो ये है पाउडर पुटिंग। पाउडर पुटिंग होने के बाद जो ये हमारा बॉयलर है, हीट मशीन है, इसके अंदर इस फ्रेम में डाल करके जो भी मशीन का पार्ट है उस पर डाल करके इसको अंदर डाला जाता है, और अंदर में एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे उसे जो बॉयल किया जाता है, यानी कि जो पेंट है, पेंट का जो पाउडर है उसे अच्छे से उसके अंदर पकाया जाता है, बॉयल किया जाता है। और उसके बाद वो जो बॉयल होने के बाद मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसा बन के निकलता है। तो वो जो बॉयल होने के बाद आप देख सकते हो, यानी भट्टी में वो जो हीट मशीन है उसके अंदर वो जो पाउडर पुटिंग होने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से बन के निकलता है, यानी कि इस पर पेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं, जो पेंट है वो खुद ब खुद गर्म होकर के लिक्विड बन के सारे एरिया को कवर कर लेगा। और ये जो पेंट है ये बहुत ही बेहतरीन है कोस्टल एरिया में, ये सबसे मेन जो पेंट बोलते ये है कोस्टल एरिया में, इस पे वो जो नमकीनी वातावरण उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और नॉर्मल इलाके में ये सालों साल चलता है ये पेंट। We'll be right back.